तो वेलकम बैक और नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और अब लगभग सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है। और अभी देखिए, सब दिन सुबह का मतलब शुरुआत जो होता था चाय से होता था, और आज देखिए कौन चीज़ ये है, ये देख लीजिए क्या है। ये सुबह का शुरुआत गिलोय का जूस से हो रहा है, बाबा रामदेव का है, गिलोय का जूस है, उससे हो रहा है। तो एक गिलास देंगे मतलब वाइफ को, लीजिए मेरा, चलिए चेयर्स करिए। सुबह की शुरुआत अपना इसी से हो रहा है। अभी हम सब्जी लेने गए थे, सब्जी में बाहर में भी मिल गया थोड़ा सा कुछ, बाहर में मतलब थोड़ा मोड़ा, और फल नहीं मिला। फल लेने हो सकता है तो हम जाएंगे बाहर। और जो है अभी जस्ट अब ब्लॉगिंग स्टार्ट ही किए थे कि फ़ोन आया था कहाँ से, तो रांची से, रांची से फ़ोन आया था। और मैडम जी को खोजा जा रहा था कि कहाँ है, फिर बात कराया उनसे, पता चला कि वहाँ भी जो लैब में टेस्ट होता है वहाँ भी टेस्टेड पॉजिटिव, तो दोनों जगह पॉजिटिव है। अब लेकिन हुआ क्या, अब मान लीजिए उसका लैब टेस्ट का हम वेट करते तब तक तो मामला बिगड़ जाता है। इसीलिए हम दवाई ववाई चालू कर दिया था, लगभग अभी रिकवरी हो चुका है। और एक दो दिन के बाद होगा तो फिर से कोई टेस्ट कराएंगे, उनका भी और मेरा भी, सबका टेस्ट कराएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टेस्ट कराना। और एक बात कि मतलब अभी देखिए, अभी चाय बना रही है, जो कि मना किया हम चाय मत बनाइए, लेकिन फिर भी बना रही है, कोई बात नहीं। और देखिए ये बर्तन, बर्तन अभी होने, और रात भर बारिश हुआ है, देख लीजिए रात भर बारिश हुआ है। खाना बनाना है, बहुत काम करना है। ब्लॉगिंग बंद कर दिए थे लेकिन अब फिर से स्टार्ट कर दिए, फुल फ्लेज ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सब सही रहे तब ब्लॉगिंग करने में मज़ा आता है। चाय कब तक मिलेगा, मिले? और सबसे बड़ा बात यह है कि बहुत लोग बहुत बात बोल रहे थे कि आइसोलेट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, नहीं कर दीजिए। तो आइसोलेट करने से होता क्या जानते हैं, कि शायद कोरोना से कम और सोच सोच के ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, इसीलिए हम आइसोलेट नहीं किए, जो है यहीं पे हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब जो होता है उसका पालन किया, कि मतलब थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, थोड़ा सा मास्किंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, खांसी करते समय मुंह पे कुछ कुछ रख लेना है, या फिर बहुत बात है मतलब पूरी तरह से मतलब किए कि सही से रहे, सही से सब कुछ हो, ताकि ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो एक दो दिन में हम रिपोर्ट टेस्ट करा के लाते हैं। और एक बात कि दवाई तो भले वाइफ का चल रहा है, लेकिन जितना भी काढ़ा उड़ा जितना भी चीज़ होता है, ऑल टू ऑल मेरा भी चल रहा है, मेरा बेटा का भी चल रहा है, और बेटी को भी कभी कभी थोड़ा एक चम्मच जो काढ़ा है पिला देते हैं, ताकि ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े किसी को, क्योंकि लक्षण तो किसी में है नहीं, सिर्फ वाइफ में था, जो कि अभी लगभग रिकवरी हो गई है, और धीरे 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 करके और रिकवर हो रही है, और हो जाए फाइनली। अभी 10 दिन कम से कम इनको रखना है पूरा रेस्ट में, 10 दिन पूरी तरह, और काजू किसमें सब लाए हैं, सब खा खा के स्ट्रांग हो जाएगी तब तक, उसके बाद जाके हम इनको काम करने के लिए बाकी छोड़ेंगे। और बाकी हो क्या रहा है, दोपहर में इतना तेज़ मतलब दोपहर में नहीं, वही 10-11 बजे ही इतना तेज़ धूप होता है, उसी दौरान क्या करना है, कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, नहाना है, उसमें इतना तेज़ धूप होता है। और बाथरूम तो है नहीं यहाँ कि मतलब वहाँ, या बेसिन है नहीं कि बर्तन अंदर में धुला जाए, कपड़ा भी धोने के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, बर्तन धोने बाहर भी जाना पड़ेगा, मतलब आपको खुला धूप में जाना पड़ेगा। तो इसी से क्या होता है कि मतलब धूप में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और पूरा एकदम बॉडी को तोड़ देता है। हम देखे ना 3-4 दिन काम करके अभी मेरा हालत ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी किसी तरह कर करके मतलब किसी तरह अभी हम पूरा रेस्ट है, पूरा हम छुट्टी लिए हुए हैं। छुट्टी लिए क्या हुआ है, अभी अगर जाएंगे भी तो कोई ड्यूटी अभी आने नहीं लगेगा, क्योंकि घर में कोविड पेशेंट रहेगा और आपको कोई ड्यूटी आने लगेगा थोड़े, तो हम खुद ही अपने तरफ से छुट्टी ले लिए थे। अभी सुबह सुबह रोटी बन रहा है, रोटी बन रहा है क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता ज़रूरी है, और हमको जाना था बाज़ार अभी फ्रूट्स लेने, सब्जी लेने के लिए, और सब्जी तो लेके आ गए हैं, थोड़ा सा फल लेके आना है, और यहाँ मिल नहीं रहा बगल में, तो इसीलिए हम सोचे थोड़ा सा रोटी जल्दी से बना लेते हैं, खिला देते हैं, उसके बाद हम जाते हैं सब्जी लेके आएंगे, सब्जी बोलते हैं मतलब फ्रूट्स लेके आएंगे, फल लेके आएंगे। तो अभी रोटी बन रहा है, और रोटी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तुरंत दे सके आपका दवाई देना है रोटी खाने के बाद। तो जस्ट अभी पूरा फल सब्जी जितना भी सब्जी तो ला चुके थे, फल लेके आए हैं, और बहुत सारा सामान था वो देखिए इसमें भरा हुआ है। और ये क्या हुआ है, इसका ये जो देखते हैं, ये
टूट गया रास्ता में, तो किसी तरह संभाल संभाल के लेके आए हैं। और अब जाना है, पूरा रूम का काम करना है, पूरा रूम साफ करना है, पूरा खाना बनाना है, कपड़ा धोना है और इसको संभालना है, देख लीजिए इसको। तो अभी दोपहर का 2 बज रहा और अभी जस्ट खाना पीना सब कंप्लीट हुआ है। खाना पीना में बना था दाल भात चोखा भुजिया करेला का और बाकी बहुत सारा चीज़ था, खीरा था और आम आम लेके आए थे। आम बहुत महंगा दिया है, आम 100 रुपये किलो दिया है, जो कि मतलब मात्र 4 पीस चढ़ा है। तो रोज़ सोचे आम लेके आएंगे और फ्रूट्स और आपका वेजिटेबल्स जितना खाएं उतना फ़ायदा होगा इसमें। तो अभी जस्ट खाना वाना खाए हैं, खाना खाने के बाद क्या, ये देखिए ये क्या है, कढ़ा, हम सबको कढ़ा दे रहे हैं। और अभी थोड़ा देर अब रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद फिर से घर का थोड़ा काम है, कचरा उचरा बहुत हो गया रूम में, उसको फेंकना है बाहर। और अभी मतलब किट जो है, मतलब जो हम लोग यहाँ रैपिड टेस्ट कराए थे उसके बाद सैंपल जो है आपका रांची भी गया था, तो रांची हम बताए थे, तो रांची से फ़ोन आया था तो पूछा गया था कि आपको क्या क्या मिला, तो हमको मिला था मेडिसिन और पूछा गया कि आपको आइसोलेशन किट मिला, आइसोलेशन किट मिला और भी बोला गया बहुत सारा चीज़, मास्क मिला, सैनिटाइजर मिला था, कुछ नहीं मिला था, सिर्फ हमको मिला था सिर्फ मेडिसिन मिला था, जो कि मतलब ठीक है, जो ही है ठीक हो जाए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको चाहिए कि ठीक हो जाए किसी तरह। तो बस वैक्सीनेशन अभी नहीं कराना है, वैक्सीनेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तब जाके वैक्सीनेशन करवाएंगे, करवाएंगे ज़रूर। अभी हम लोग का रेलवे का हॉस्पिटल में ही वैक्सीनेशन चालू है, तो जैसे रिपोर्ट सब निगेटिव आएगा वैसे ही हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे। लिया जी अभी बना है ब्रेड ऑमलेट और टिंगा और टिंगी दोनों खा रहे हैं और जा रहे हैं दूसरा ब्रेड ऑमलेट बनाने, जो कि मैडम जी खाएंगी यहाँ पे, देखिए सब। तो बस आज, बस आज का दिन सही रहा, सब कुछ रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे, तो जैसे जैसे अपडेट मिलेगा हम बताते रहेंगे। चाय अभी बना है थोड़ा देर पहले और पूरा फिर से पूरा घिन आ गया है, मतलब पूरा रूम जो है फिर से ख़राब हो गया। दिन भर से सुबह से रात तक हमको लगता है कि बर्तन धो के आए हैं और ये पूरा क्लीन कर दिए हैं। सुबह से रात तक हमको लगता है कि 3 बार बर्तन धुलाता है, 3 बार कपड़ा धुलाता है, 3 बार रूम साफ होता है। तो इतना टेंशन था काम में, हम काम करने के बाद जाने कि इतना टेंशन होता है। और बच्चा को मेनली क्या होता है ना, काम करने में ज़्यादा दिक्कत, उससे बड़ा बात क्या है कि बच्चा को संभालना सबसे बड़ा बात होता है। ये देखिए ये लड़की को संभालना बहुत बड़ा टेंशन है, तो अभी के देखिए ये देखिए अभी लगी रोने, तो इसको भी संभालना है, प्लस में काम भी करना है, प्लस में आपका सब कुछ करना है और घर मैनेज करना है, सामान लेके आना है, टोटल का टोटल काम अभी करना है। तो किसी तरह सही से सही ढंग से हो रहा है धीरे 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 धीरे, और मतलब सब कुछ सही हो जाए यही हम चाहते हैं, और मतलब कभी सही हो जाए। देखिए लड़का को मम्मी के लिए काढ़ा बना रहा है, देखिए हम बोलते थे नहीं, लड़का बहुत ही। और अभी जो है शाम में खेल रहा था तो दोनों खूब लड़ा है, मतलब बेटी और बेटा दोनों, और हम लोग का आपका ये पर्दा जो ऑर्डर किया हुआ था तो पर्दा आ गया है, पर्दा एक बार आप लोग को दिखा। तो ये देखिए यही पर्दा आया है, टोटल हम 6 पर्दा मंगाए हैं, मतलब 6 पर्दा है, 2 ठो खिड़की के लिए मैं मंगाए हैं और 4 ठो गेट के लिए मंगाए हैं, और कहाँ कहाँ लगाते हैं देखते हैं धीरे धीरे। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना बनाने और खाना खाएंगे और इसको भी संभालेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, देखते हैं कैसा जाता है दिन, और बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले ब्लॉग में। थैंक यू।